Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are well. Lockdown के चलते आप सभी को पता ही है कि हमारी classes हैं जो school हैं नहीं लग पा रहा है तो मुझे एक बात public school की online classes पे मैं आपका welcome करती हूँ. आप class 4 से 5 में होती हो तो हमारा lesson है जो तो हमारा subject है computer. उसका जो हमारा first lesson है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट हो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे. आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझोगे इसको. कहीं भी आपको नहीं समझ आ रही है जो डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो. ठीक है, देखना हमारा लेसन हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जिसमें क्या है हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं कंप्यूटर कौन कौन सी डिवाइसेस हिस्ट्री में जैसे कंप्यूटर के इतिहास में कैसे पहले चलती थी हम लोगों ने पढ़ा था बेहतर स्वास्थ्य बनाई और कैलकुलेटिंग मशीन के बारे में. तो आज हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. हम उसको कंटिन्यू करेंगे जो हमारी जनरेशन है कंप्यूटर को किस जनरेशन में डेवलप किया गया है. ये हमारे 5 जनरेशन है कंप्यूटर की. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन. कंप्यूटर क्या है फिफ्थ जनरेशन में डेवलप किया गया था. हम आगे कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्ले इन डिफरेंट स्टेजेस कार जनरेशन. कंप्यूटर को क्या है डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में बनाया गया. जैसे फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर है तो कुछ अंश उसमें कमी थी तो सेकेंड जनरेशन के डेवलप के लिए. तो सेकेंड जनरेशन में जैसे कोई भी साइज का प्रॉब्लम हो गया या स्पीड की प्रॉब्लम होगी इसकी वजह से थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर को डेवलप किया गया. तो इसी तरह इनको फिफ्थ जनरेशन में बनाया गया कंप्यूटर को उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग. अगर इसमें ये अब जो थर्ड में क्वालिटी है फर्स्ट में नहीं हो सकती है जो फिफ्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर में क्वालिटी है वो थर्ड में नहीं हो सकती. तो इसी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के चलते कंप्यूटर को डेवलप किया गया. तो हम स्टार्ट करेंगे जैसे जैसे मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ती हूँ. पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था. इन फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड. ये जो हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसका टाइमिंग है 1940 से लेके 1956 तक चली. तो इनका टाइमिंग क्या है 1940 से लेके 1956 तक चले. तो इसमें क्या है वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे. कंप्यूटर पर बिल्ड एक रूल साइज इनका साइज क्या था बहुत बड़ा था. देवर हाईली एक्सपेंसिव काफी एक्सपेंसिव भी थे ये. तो इसमें क्या होता है अगर आप मानो हम बात करते हैं तो ये सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर आ गया हमारा. इसमें क्या है साइज की प्रॉब्लम कॉस्टली भी हो गया तो दोनों चीजें होगी ना इसमें. तो इसीलिए क्या हमारा सेकेंड जनरेशन है डेवलप किया. फर्स्ट जनरेशन में दोबारा मुझे कंटिन्यू करूंगी मैं. दे यूज टू कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लॉट ऑफ फ्लूइड विच क्रिएटेड स्वेयर एंड प्रॉब्लम्स. इसमें क्या है ये जो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और क्या है लॉट ऑफ फ्लूइड है जो बहुत सारी हीट जहाँ पे काम करते हैं वो हीट की प्रॉब्लम थी. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स होगी एनीवेट यूनिवेट. ये क्या है इसकी एग्जाम्पल्स जैसे मैं आपको इसमें जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की एग्जाम्पल है एनीवेट कंप्यूटर. क्या इसमें क्या है यूनिवेट. ये क्या है इन फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की एग्जाम्पल. नेक्स्ट स्टेप में सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसका टाइमिंग क्या था 1956 से लेकर 1963. इस जनरेशन में क्या था हम पढ़ रहे हैं इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर्स. इसमें क्या है जो वैक्यूम ट्यूब जो हमारी थी इसमें फर्स्ट जनरेशन में उनको किसने रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर में रिप्लेस कर दिया गया कंप्यूटर बिकम स्मॉलर फास्टर एंड चीपर. ये समझ के आप उसमें क्या था साइज बड़ा था एक्सपेंसिव था. इसमें क्या है स्मॉल हो गए स्पीड भी फास्ट हो गई. समझ पा रहे हो ना बेटा जैसे मैं बता रही हूँ आपको. फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ
साइज भी बहुत बड़ा था, तो सेकंड वाले डेवलपमेंट में उसने क्या वो स्मॉल हो गए, साइज छोटा हो गया, तो हमारा तो बेनिफिट हो गया, सेकंड जनरेशन का साइज छोटा हो गया कंप्यूटर का और वो क्या फास्ट वर्क करते थे। तो इनका टाइमिंग क्या है यहाँ पे देखो ना, 1956 से लेके 1963 तक चलेगी। इसका टाइमिंग टाइमिंग था 1914 से लेके 1956 तक चलेगी और नेक्स्ट इसके बाद 1956 से लेके 1963 तक चलेगी। इसके बारे में पढ़ते हैं, दे यूज लेस एनर्जी देन बिफोर। पहले वाले से ये क्या एनर्जी कम यूज होती थी इनको चलाने में, ये क्या मोस्ट ऑफ फीड छोड़ते थे ये, और क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारी बहुत कंज्यूम होती और ये बहुत सा एक हमारा स्पीड कम हो गया, इसमें हमारा रोज का चलाते थे, इसलिए हमारा रोज है जो कम हो गया सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स। नेक्स्ट क्या, इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दीज कंप्यूटर, इसमें क्या प्रोग्रामिंग भी पॉसिबल थी करनी। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल्स बताऊंगी आपको, IBM जैसे आपको बता देती हूँ, ये थी इसकी एनिमेट और यूनिवेट इसकी एग्जाम्पल्स होगी, ये इसकी एग्जाम्पल होगी IBM 1401। नेक्स्ट है IBM 350 रैम, यूनिवेट और एनिवेट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल्स होगी, सेकेंड जनरेशन की IBM 1401 IBM 350 रैम। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइमिंग क्या था 1964 से लेके 1971 तक। अब जो इसमें कमियां थी वो क्या, इसमें सुधारी हुई, अगर फर्स्ट वाले में जो कमियां थी सेकंड वाला बना वही कमियां रिमूव हो। अब जो सेकंड में प्रॉब्लम थी, सेकंड जनरेशन में प्रॉब्लम थी, अब वो थर्ड में इम्प्रूव हो। तो थर्ड में पढ़ते हैं क्या चीज थी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड डेवलप्ड, इसमें क्या है वैक्यूम ट्यूब थी वो किसमें रिप्लेस हो गया ट्रांसिस्टर, इसमें क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगी कंप्यूटर, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होने लगे, ट्रांसिस्टर बिकम स्मॉलर एंड वर रिप्लेस ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर, इसमें क्या है वो क्या थी, इसमें क्या था ट्रांसिस्टर थी जो हमारी क्या है स्मॉलर थे छोटे थे साइज में, इसमें वो उनको छोटी छोटी चिप्स में इंटीग्रेटेड सर्किट में उसकी सिलिकॉन की चिप्स में कन्वर्ट कर दिया गया, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। इट हेल्प टू इंक्रीज दी स्पीड ऑफ कंप्यूटर, वो क्या था क्या थी हेल्प करती थी हमारी कंप्यूटर की स्पीड, उससे क्या है बढ़ गई थी जो सिलिकॉन, इसमें क्या है ओनली ट्रांसिस्टर वर्क करते थे और साइज में छोटे भी थे, इसमें क्या है उन्हीं को इंटीग्रेटेड सर्किट में सिलिकॉन की चिप्स थी वो क्या है मल्टीपल ट्रांसिस्टर के बराबर होती है, तो उसको बाहर रिप्लेस कर दिया गया, उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन की चिप्स यहाँ पे यूज होगी तो उनको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, वहां उनकी हेल्प से क्या है इस कंप्यूटर की स्पीड है जो इंक्रीज होगी। इसमें और क्या था कंप्यूटर कैन विद इन द रीच ऑफ द कॉमन मैन, ठीक है आम आदमी जो है हमारा वो इसको यूज कर सकता थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज IBM 360, IBM 360 ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसका टाइमिंग क्या था 1971 टू 1985, ये क्या है इससे नेक्स्ट वाली जनरेशन होती ना, तो नेक्स्ट वाला टाइम है 1971 टू 1985 तक इसका यूज किया गया। इसमें क्या है इन फोर्थ जनरेशन माइक्रो चिप्स वर डेवलप, इसमें क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते थे इनमें माइक्रो चिप्स यूज होने लगे, दीज कंप्यूटर स्टिल इन यूज एंड बीइंग डेवलप फॉर ये क्या यूज में आने लगे और काफी टाइम तक ये चले, इनके बाद क्या है ये काफी टाइम तक चले माइक्रो चिप्स जो थी जो डेवलप हुई थी फोर्थ जनरेशन में वो काफी टाइम तक उनको यूज किया गया। सब कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर वेरी स्मॉल, दे कैन फिट इन टू द पाम ऑफ अवर हैंड, इस जनरेशन के जो
काफी फास्ट थे ये कंप्यूटर कंपैरिजन टू थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इनकी एग्जांपल्स होगी पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन. इस जनरेशन की एग्जांपल होगी पीसी जिसको हम बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर. आई होप आपको अच्छे से समझ आया.